कौस्तुभ बेटा स्कूल जाना है अब। नमस्ते। ठीक ओ कौशी बेटा उसको छोड़ दो, अभी स्कूल के लिए निकलना है, 9 बज गया आपके यहीं पे। चलो 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 इसको छोड़ो, शाम को नहीं नहीं ऑन नहीं करना यार, रुकना मैं। मेरी जो स्किन है ना, मेरी स्किन पे ना बहुत पिंपल्स आ गए, तो मैंने उसके लिए ये ऑर्डर किया है फेस वॉश। और इसके साथ हमें बहुत चीज़ें मिलती है, शैम्पू है, फेस सीरम है, फेस पैक है। तो जैसे कि मेरी शादी है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के टाइम पे मेरे फेस पे कुछ भी हो, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मुझे अच्छा लगा है। मुझे ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इससे पहले मैंने एक और फेस वॉश यूज़ किया था, वो मुझे सूट नहीं करा, बट ये वाला सूट करा है। ये अच्छा है और इजीली है, इसकी ब्रशेस बहुत सॉफ्ट है। जो इसकी फ्रेग्रेंस है ठीक है। तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग गए थे, तो इसलिए मैंने ट्राई किया है ये वाला फेस वॉश ओरिजिन नेचर्स ब्राइट। तो ये वाला पिंपल्स के लिए है फेस वॉश, तो इसलिए। और फॉर इंटेंस हेयर फॉल कंट्रोल, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके प्रोडक्ट्स ट्राई किए जाए। और मुझे ठीक लगे, अभी तो जस्ट थोड़े दिन ट्राई किया, बट अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इसके साथ हमें मिला है फेस सीरम और साथ ही साथ है फेस पैक। तो अभी तो मैंने फेस वॉश यूज़ किया है, अब मैं करूँगी क्या कहते हैं शैम्पू यूज़, और फिर उसके बाद हो जाएंगे रेडी रेडी। तो मैं बताना चाहूँगी ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इनफैक्ट जिनको तो पिंपल है ना, उन्हें तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें बोलते हैं ना जब पिंपल्स होते हैं तो फेस पे हाथ नहीं लगाने चाहिए, तो उसके लिए ब्रशेस तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत हल्की सी ब्रशेज है। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फेस वॉश फॉर, क्योंकि ये स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पे फेस वॉश पिंपल, जिनको पिंपल्स है ना उनके लिए फ़ायदेमंद है। और बस दूर खुशी बेटा 9 बजा दिया आपने, ये पे पता है आपको चौब शॉप है, कहाँ से उठता क्या उठता है चौब बी शॉप। ओ ये देख देख वो नया, ओ बाबा तुम यार नील कुछ करो, मेरी बात जान पड़ेगी, चलो आ जाओ जल्दी खुशी, इधर चलो बाहर चलो 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 तो होगा आज तो रश जेन मिलेगी सीट तब नहीं जाना गोरे देखनो देखनो बिशु क्या आमने दूर दूर से तो दे तो दूर को एक दवा तो खाने ओ पांडे बाजार खाते हैं हम नहीं दे ओ कल हम भी 2 किलोमीटर चले हुए पैदल देर देर को दो दो चार ना आने को तो काका आया था ना गाड़ी लेके, आगे तक छोड़ दी गाड़ी तक, नीचे मेन सड़क तक पहुंच गए थे, नहीं आगे तो हम लोग सारी जगह उस नोटबुक को ढूंढ रहे थे, मतलब जितने कमरे थे ना सारी जगह, वो ना गलती से फ्रिज के पीछे चली गई थी, जैसे कोई चढ़ता रहता है इसके ऊपर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था जिसको भी ये नोटबुक मिलेगी ये लोग पूजा करेंगे। ये क्या कर रही है, पूजा की तैयारी। हम लोग ऐसे ही लोले मारे थे ताकि सबके सब ढूंढे, और फाइनली हमको मिल गया वो नोटबुक। वो नोटबुक हम लोग हाँ कोयले उड़े चाहिए, इसमें कोयले होते हैं, फिर इसमें घी डालते हैं, मजाक कर रही है साइड वाले के इसको वो सच में करछी चक्के आ गई सच में यार चुप रहो काली करछी से। तो हम लोग वो वाली नोटबुक इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हमको कार्ड्स बांटने हैं, तो कार्ड्स पे नाम लिखना है। तो भाई ने इन लोगों ने मतलब घर में सब ने मिलके पहले ही वो लिस्ट बना ली थी कि किस किस को कार्ड देने हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसलिए हम इसको खोना नहीं चाहते थे। पता नहीं कितने पेजों की लिस्ट है, गिनिए जरा पेज कितने।
तो अभी हम लोग पता क्या करने वाले हैं, फटाफट से लिखने वाले नाम। 12 पेज की लिस्ट है, अब खुद सोच लो 12 पेज की लिस्ट है तो उसमें कितने सारे नाम हो गए। तो जस्ट हम लोग अभी कार्ड्स फोल्ड भी कर रहे हैं क्योंकि फोल्ड करने को है, उसके अंदर डालना है। हमारे कार्ड आ चुके हैं और अभी तक हमने कार्ड नहीं बांटे हैं। तो और मुझसे सबके सब ये पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब है, आपकी शादी कब है। तो जस्ट मैं आज ही, मुझे लगा कोई आया, तो मैं आज ही बता दूंगी कि मेरी शादी की डेट क्या है। तो जस्ट अभी हम लोग कार्ड्स बनाते हैं, उसमें नाम वगैरह लिखते हैं, तो मैं सब कुछ रिवील कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो हम लोग ये काम कर लेते हैं फटाफट से। मतलब हम लोगों के इतने सारे रिश्तेदार हैं तो इसलिए मतलब अलग अलग बंदों के रिश्तेदार लिखे हैं, जैसे कि अंकुश भैया के, कुलभूषण भैया के, फिर मुन्ना के, मुन्ना के है, और फिर बड़े मम्मी के माइके वाले, और छोटे मम्मी के, और ये है पापा के सबसे ज्यादा सॉरी, और ये है भांजिया जिनकी शादी हुई है। अच्छा ये निर्वाह क्यों नहीं सारे एक-एक नाम तो पता नहीं, नहीं एक-एक नाम तो ना, जैसे हम जाएंगे लिखते-लिखते छोटे मम्मी के रखे एक ढेर में, अरे कुछ नहीं होगा मिक्स, हाँ कैरी बैग में डालेंगे। तो इतने कार्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि रखे हुए, वैसे कार्ड है, दिखाइए काजल कार्ड, मतलब कार्ड ऐसा है वो पहले प्लेन में दिखा, ये कार्ड ऐसे को बनवाया है और इसको हमने फोल्ड करना है, उसके बाद ये ऐसा होगा, उसके बाद जाके हमको ये इन रैपर्स में डालना है, तब जाके हमारा कार्ड कम्प्लीट होगा। तो इसमें बहुत काम है अभी, और इतने सारे कार्ड्स अभी पैक करने हैं, फोल्ड वगैरह करने हैं। चलो इनको लेके हम काजल के रूम में जाने वाले ऊपर। तो अभी हम लोग सारे के सारे ऊपर आए थे, कार्ड्स वगैरह मैं नाम लिखने और कार्ड्स पैक करने। तो पापा को कॉल किया था मैंने कि पहला कार्ड किसके नाम से करना है, मतलब कि किसके नाम से लिखना है। तो पापा बोलते पहला कार्ड भगवान के पास जाके रख दो, अपने देवी देवता का नाम लेके सब कुछ वहाँ पे रख दो, फिर पहला कार्ड लिखना है मामू के लिए, मतलब कि पहला कार्ड भगवान के लिए और दूसरा कार्ड फिर मामू के नाम से। तो मैं पहला कार्ड रखने जा रही हूँ मंदिर में, इसमें अभी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि सब कुछ अंदर है। तो ये है, चलो पहला कार्ड हम लोग भगवान के पास रख के आते हैं। तो मैंने मम्मी के पास दिया पहला कार्ड, मम्मी भगवान जी के पास रख देंगे। हो गया हाँ, सारे के सारे अभी नाम लिखना, कार्ड्स वगैरह पैकिंग करने में लगे हुए हैं। इधर स्वाक्ष सोया हुआ है, इधर बुई के पास अथर्व है, तो बाकी लोग सारे के सारे ऊपर कार्ड पैक कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अभी कौशू को लेने क्योंकि कौशू का टाइम हो चुका है स्कूल से आने का। तो चलो आज भाभी को मैंने सुबह बोल दिया था कि दिन को मैं लेके आ जाऊंगी कौशू को, अब बैठो दुकान में आराम से। तो चलते अभी कौश तो लेने। इधर वो अंकुश आज इतने सालों के बाद इस शॉप में बैठे हो गए, कब बैठे थे लास्ट टाइम, जब भी आता हूं तब भी, कब भी इस शॉप में तो आप कभी नहीं बैठे, ऐसे ही सपनों में। इतने टाइम के बाद मैं अपने स्कूल आई हूँ, ओल्ड स्कूल, और पूरा का पूरा नक्शा ही बदल चुका है यहाँ का। पशु की छुट्टी में अभी टाइम है, आई थिंक होने वाली है जस्ट। तब जनाब जी, हाँ जी खड़ जा आराम से चला। हेलो जी, अभी तक हुआ ही नहीं, तो एक बेबी को इधर से लाया हुआ, एक बेबी को उधर से लाया हुआ। अच्छा उसके तो याद मत दिलाओ यार, कोको कोला मेरी दो पैकेट की बनाई थी ना, एक पैकेट की बनाई थी यार,
मतलब कुछ भी सब चीज तो क्या क्या था, केक भी लाया था वो, हाँ। सब कुछ तो डेकोरेशन की फिर दिन लगा। हम मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके खाएंगे, बाहर जाके हम बच्चे वाले बेचारे। मैं थक गई यार, मैं कोशु को लेने गई थी। चुप रहो, पहले तो मैं सोच रही थी मैं मोमोज लेके चलती हूँ बाहर, फिर मेरे को लगा रेंट देती हूँ चुटकी को। उसके भी फेवरेट है। चलो मैं कौशु को होटल में ही छोड़ के आई, क्योंकि भाभी ने मेरे को कॉल कर दिया था कि इसको होटल ही ले आई हो पीछे, तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया। हम भी लग जाते हैं फिर से काम में, क्योंकि बस अब तो थोड़े से ही कार्ड रह गए। आई थिंक कितने रह गए, 50 कार्ड फोल्ड करने को रहे हुए और नाम लिखने के लिए तो अभी बहुत रह गए। चलो लग जाते हैं काम पे। हाँ जी, इतनी पागल लिखी हूँ। मैं दो पेन और लेके आ गई क्योंकि ख़त्म होने वाला है एक शायद। यहाँ देखो मैगी पार्टी हो रही है, तेरी खत्म हो गई। सबके हाथ दिखाना, जरा हाथ दिखाना। ओ बाबा जी, सबसे सुंदर है मेरे, सबसे सुंदर है चुटकी के और यामिनी के। मेरी क्लीन से जाता, क्योंकि मैंने वॉश, अंगुशा ने तो कुछ काम ही नहीं किया है इनके। तो अभी तक हम लोग कार्ड्स कर रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। और हमारा था कि आज मामू के घर जाना है, क्योंकि हमारे ऐसा होता है ना कि शादी से पहले जो लड़कियाँ होती है मामू के घर जाती है, एक हिसाब से होता है कि खाना खाने जाते हैं और इनविटेशन भी उसी के साथ दे देते हैं। तो वही देने जा रहे, इन्विटेशन भी है प्लस मामू से मिलना वगैरह भी हो जाएगा शादी से पहले। तो आगे बैठ जाओ पापा जी। मैं, पापा, मम्मी और काजल जा रहे हैं, हम चारों के चारों जा रहे हैं। मम्मी पापा पीछे बैठ चुके हैं और मैडम जी गाड़ी चला रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो जस्ट अभी हम लोग कितने 7 बज चुके हैं, 7 बजे चले हैं यहाँ से, और वहाँ पर भी मेला है, तो मे बी हम लोग कल अटेंड करेंगे या फिर डायरेक्ट आ जाएंगे मामू से मिलने के बाद। तो चलो अभी निकले हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो हम लोग कुपुई पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि मेला है तो पूरा एरिया कवर्ड अप है, क्योंकि शॉप्स वगैरह लगी हुई है और गाड़ियाँ बहुत सारी है, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो मतलब कि यहाँ पे रेस्ट हाउस है साथ में, तो पापा गए थे बात करने, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार पार्क की है। तो पापा परे गए, उनसे बात करी, उनको बोला कार लगानी है, तो वो आए, फिर गेट खोला, फिर हम लोगों ने कार यहाँ पर लगाई। तो अभी सामान वगैरह निकाला जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमारे मामू का घर, बस थोड़ा सा नीचे पैदल चल के जाना है सड़क से, तब इसके बाद हम जाएंगे पहुँचेंगे मामू के रूम। वैसे तो मामू का घर यहाँ से थोड़ा दूर है, बट वो लोग यहाँ पर रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आजकल मेला भी है तो सबके सब यहीं पर है, तो हम लोग यहीं पर आए हैं। चलो ठीक ठाक। तो हम लोग मामू के घर पहुंच चुके हैं। व्लॉग व्लॉग, इस बच्चे ने मेरे को डराया ना वो बेटा। याद रखूंगी। ये मेरे सबसे बड़े मामू। तो मामा को भी कार्ड दे दिया है, हमारा डिनर टाइम। अजल दिखाइए जरा इसकी प्लेट में, देखो कितना सारा खाना है। तू क्या तो हम लोग डिनर करके फ्री हो चुके हैं, और तो मैंने जैसे बताया था कि मैं इसी व्लॉग में डेट बता दूंगी इस मैरिज की। तो मेरी मैरिज है 16 मई को, तो कार्ड्स भी मैंने आपको दिखा दिए है, और 16 मई को शादी फिक्स हुई है। तभी हम लोग मामू के घर आए, अभी एक मामू के घर है, कल सुबह दूसरे मामू के घर जाएंगे, और जो तीसरे मामू है वो नेरवा में ही है, उनके पास सब जाएंगे। तो यस, और कल मेला भी घूमने वाले हैं हम लोग। मम्मी पापा सो गए और ये मैडम फोन में चिपकी हुई है।
और बाकी लोग भी सो चुके हैं, तो अब मैं भी सो जाती हूँ और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।